हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और आप सबको कश्मीर से प्यार भरा सलाम। अच्छा, शॉपिंग तो आपने बहुत की होगी, पर आज मैं आपको ऐसे शॉपिंग एरिया में लेके जा रही हूँ जहाँ ना तो आपको चलकर शॉपिंग करनी है और ना आपको गाड़ी में शॉपिंग करनी है। जी हाँ, आपको शॉपिंग करनी है बोट से, है ना मज़ेदार? तो चलिए लेके चलती हूँ। सबसे पहले हम पहुँचते हैं अपने फास्ट फूड एरिया में। पहले कुछ खा लिया जाए, पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। अरे अरे अरे, मैंने तो बताया ही नहीं कि ये शॉपिंग एरिया है कहाँ। ये है कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, डल लेक में। डल लेक में आप सिर्फ बोटिंग का मज़ा नहीं लेंगे, डल लेक में आप बोटिंग के साथ साथ शॉपिंग का भी मज़ा लेंगे, टू इन वन। बोट के दोनों तरफ सिर्फ दुकानें हैं, लेकिन उन दुकानों में जाने के लिए आपको बोट का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि दुकानें भी पानी पर है। यहाँ आपको सारे कश्मीरी आइटम्स मिलेंगे, चाहे वो कश्मीरी कपड़े हो, कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स आइटम, कश्मीरी चाय, कश्मीरी केसर, सब आपको मिलेगा यहाँ पर। पश्मीना शॉल, स्वेटर, जैकेट्स, पोंचू, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, और वो भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में। हालांकि दिन में बोटिंग और शॉपिंग का एक अलग मज़ा है, लेकिन रात की शॉपिंग की तो और भी अलग बात है। चारों तरफ पानी में शॉप्स की जो लाइट्स रिफ्लेक्शन बनती है ना, वो और भी सुंदर लगता है। ये देखिए, इंजॉय कर रही हूँ मैं। मेरी काम की ज़्यादा चीज़ें दिख तो नहीं रही है, क्योंकि बच्चों के ज़्यादा आइटम्स है नहीं यहाँ पर, पर हाँ, मम्मी पापा के लिए बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज़ अवेलेबल है। सिर्फ कपड़े और हैंडीक्राफ्ट भी नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर आपको ग्रॉसरी स्टोर भी दिखेगी। ये रही ग्रॉसरी स्टोर, मतलब आपको कुछ राशन खरीदना है वो भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। कोविड पेंडेमिक की वजह से थोड़े से सैलानी कम तो हुए हैं कश्मीर में, आप देख सकते हैं दुकानें खाली हैं। वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, माल स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस हिसाब से कस्टमर्स नहीं हैं यहाँ पर। कश्मीर आने पे ना, कश्मीरी वुडन क्राफ्ट्स जितने भी होते हैं हैंडमेड आइटम्स, उनकी शॉपिंग आप ज़रूर कीजिए। वो बहुत यूनिक और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आप देखिए दुकानें कितनी खाली हैं, बेचारे अभी बिल्कुल खाली बैठे हैं, देख के अच्छा नहीं लग रहा है। बस एक बार महामारी ख़त्म हो जाए, कोविड का डर लोगों में ख़त्म हो जाए, तो शायद इनको भी कस्टमर मिले, इनकी भी रोजी रोटी अच्छी चले। यहाँ शॉपिंग करते समय आपको थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा, कि ऑब्वियस सी बात है, टूरिस्ट एरिया है तो वो प्राइस थोड़ा तो ज़्यादा बताएंगे, आपको थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा, पर आपको चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी यहाँ पर। यहाँ पर शाम के समय में ना बोटिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। झील के बीचों बीच आपकी बोट चल रही है, दोनों तरफ शॉप्स हैं, बस आप देखते रहो, मज़े लेते रहो। बहुत अच्छा, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा ये हमारा।
और भी टूरिस्ट थे हमारे साथ, इक्का दुक्का बोट ही दिख रही थी। पर जिस हिसाब से वहाँ पे रश होती है, जिस हिसाब से टूरिस्ट आते हैं, सैलानी आते हैं, उस हिसाब से लोग वहाँ थे नहीं पेंडेमिक की वजह से। और अब शॉपिंग के बाद शुरू होता है बोट हाउस। आपको मैं अपने लास्ट वीडियो में दिखा चुकी हूँ बोट हाउस कैसा होता है। बस अब हम अपने बोट हाउस की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे लाइन से सिर्फ बोट हाउसेज हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको गोल्डन लेक बोलते हैं, क्योंकि चारों तरफ बोट हाउस है और उनकी गोल्डन लाइट पानी में जाती है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो बिल्कुल गोल्डन सा लुक आता है एक पानी का, इसलिए इस वाले एरिया को वहाँ पर गोल्डन लेक बोलते हैं। ये देखिए पानी में बिल्कुल लाइट्स के रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं और कितना सुंदर, कितनी खूबसूरत शाम जिसे बोलते हैं ना, खूबसूरत शाम है ये डल लेक में। यहाँ पर शाम बिताना तो एक बार बनता है, कश्मीर आइए तो डल लेक में शाम बिताइए और साथ साथ मज़े लीजिए पानी के बीच में बारबेक्यू का। जी हाँ, जैसा आपको दिख रहा होगा बोट पे ही इन्होंने बारबेक्यू लगा रखा है, तो अगर आप शॉपिंग करके थक जाते हैं और कुछ खाने का मन करे तो आप आराम से रोस्टेड चिकन, रोस्टेड पनीर, कॉर्न आपको सब मिलेगा इस बारबेक्यू में, जिसके आप मज़े ले सकते हैं। है ना मज़ेदार, पानी के बीच में ही सब कुछ, कितना अच्छा, यूनिक बिल्कुल। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वे वीडियो और ब्लॉग तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं यहाँ मज़े ले रही हूँ गर्मा गर्म पनीर और चिकन टिक्का का, आप भी मज़े लीजिए और आइए ज़रूर, उसके बाद आपको भी बहुत मज़ा आएगा।